केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर केंद्र से मिलने वाली मदद में अड़ंगा न डाले। भाजपा नेता हिमाचल को केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद में अड़ंगा डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान यह बात कही। अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद केंद्र सरकार की तरफ से कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है। पहले से निर्धारित जो बजट हिमाचल को मिलना था उसे एडवांस में दिया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत आपदा के बाद जो क्लेम बनता है उसका 9900 करोड़ के प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक यह क्लेम भी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से विशेष राहत पैकेज दिया होता तो वह इसे मदद मानते। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक ही क्लेम के प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। केंद्रीय मंत्री को सही जानकारी रखनी चाहिए, अब उनसे चाहेंगे कि इसमें अड़ंगा ना डाले। केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से ही 4500 करोड़ का बजट राहत के रूप में दिया गया है। आपदा के समय हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला, और जो मिला है वो बजटरी अलॉट है, बजट में अलॉट किया जाता है, और चाहे वो NDRF के रूप में थे चाहे किसी और रूप में था। तो जिस प्रकार की आपदा से सरकार ने सामना किया, मदद होता, स्पेशल रिलीफ पैकेज होता तो मदद मांगता मैं। अब जो हमारे बजट में है, जो NDRF की एडवांस किस्त देना मदद नहीं है, जो दिसंबर में किस्त आनी थी उसकी एडवांस किस्त देती, और जुलाई की तुम्हारी किस्त एडवांस आनी थी, और कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज तो हमें मिला नहीं है। जो बजटरी एलोकेशन है वो मिली है। अब हमारा जो भारत सरकार के नियमों के द्वारा 9900 करोड़ रुपए का जो क्लेम हमने दिया है, जो कि उनको देना है, जो डिजास्टर के बाद एक क्लेम मिलता है, क्या होता है जब डिजास्टर आती है तो केंद्रीय सरकार के नियमों के हिसाब से उस डिजास्टर को भरना पड़ता है। हमने केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार से 9700 कुछ करोड़ रुपये का क्लेम भरा है। अब भारत सरकार उसमें से हमको कितना क्लेम देती है, हम तो उस क्लेम की बात कर रहे हैं, रिलीफ पैकेज तो छोड़ दीजिए। और जो मदद आई है वो जो मदद है वो हमारी बजटीय बजट है, जो किस्तें हमको पहले मिलनी थी वो एडवांस मिली है, इसलिए उनको भी थोड़ी जानकारी ठीक रखनी चाहिए। अब उनसे हम चाहेंगे कि जो हमारा क्लेम है उसमें अड़ंगे मत अड़ाए, वो भारत सरकार से मिलना है, और 9700 करोड़ रुपए का क्लेम केंद्रीय सरकार के नियमों के तहत मिलना है, जो कि हमें नवम्बर दिसंबर में मिल जाना चाहिए था। अभी तक जनवरी आ गई, अभी तक क्लेम नहीं मिला, उसमें अड़ंगे भारतीय जनता पार्टी की लोग राजनीतिक दृष्टि से अपना रहे हैं। लेकिन हमने उस चुनौती का सामना किया, हमने अपनी तरफ से ही 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, EN TV।